हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई प्रॉब्लम के साथ, एक कैनन का LBP 2900 प्रिंटर है। इसमें प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक प्रिंट निकाल रहा हूँ टेस्ट पेज इसका। ये देखिए, ये प्रिंट बिल्कुल लाइट आ रहा है, एक साइड से बिल्कुल ही नहीं आ रहा, इसके कार्टेज भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको चेक करते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। मैंने ये पोर्शन खोला है फ्रेंड्स, देखिए ये बिल्कुल डर्ट से भरा हुआ है स्कैनर पूरा, ये सभी इसके अंदर डस्ट भरी हुई है। ये इसका कार्ड है, ये भी डस्ट। मैं इसका ये स्कैनर खोला है, देखिए पूरी डस्ट से भरा हुआ है। मैं इसको खोल के बताऊंगा ये कैसे क्लीन होगा। ऐसे ही साफ करेंगे। इसको ये पेज खोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों तरफ बने हुए हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। देखिए अंदर से डस्ट भरी हुई है, इसके अंदर भी है। दिख रही है आपको, इसका शीशा गंदा पड़ा है। चलो हम फ्रेंड्स इसको खोलते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये पट्टी दिख रही है आपको, आपको इसको हल्की सी हटानी है। पत्ती को हटाएंगे फिर यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा, फिर एक यहाँ बना हुआ इसको हल्का सा हटाएंगे। ये बाहर आ गया। आपने जैसे ही इसको उठाना है वैसे ही ये डस्ट के कारण ये ख़राब हो जाते हैं दोनों। ये देखिए इसके ऊपर डस्ट जमी हुई है, आपको ध्यान से दिखाऊंगा। इसके ऊपर डस्ट जम जाती है, इसको क्लीन करेंगे कपड़े की सहायता से या कॉटन से। इसको ब्रश से अच्छी तरह से सबसे पहले हमें ये जो मोटर है लेजर घूमती है, इसके यहाँ से चारों तरफ से इसको कपड़े की सहायता से क्लीन करना है कि दोबारा इसके ऊपर भाप ना लगे। इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लो ताकि इसके जो लेज़र यहाँ से निकल के पड़ती है ग्लास पे एक्यूरेट डले। देखिए मैं इसको भी क्लीन कर रहा हूँ, देखिए डस्ट है इसके ऊपर, तभी हमारा पेंट जो है साफ नहीं आता। अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए इसको।
क्लीन होगा उतने ही हमारा पेंट जो है शार्प आएगा। ध्यान से रखना है, दोबारा इसके ऊपर प्रॉपर हाथ नहीं लगना चाहिए जहाँ से हमने साफ किया। फिर हमने इसको प्रॉपर अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। ये हमारा प्रॉपर साफ हो गया, देखिए क्लीनिंग हो गया बिल्कुल अंदर से भी और इसकी ग्लास भी। ध्यान रखना अपने, अगर इसको एक बार साफ़ कर लिया तो इसको ढक कर रख दें। तो नेक्स्ट स्टेप जो भी साफ करोगे या इसको थोड़ा सा दूर रख कर साफ करना है, इसमें दोबारा डस्ट ना आए, अच्छी तरह से इसको क्लीन कर दीजिए। दोबारा इसके अंदर डस्ट ना आए, इसको साफ कर लीजिए अच्छी तरह से। मैं इसको प्रॉपर फिट करके फिर आपको चला के दिखाऊंगा इसका पेंट निकाल के। चलिए फ्रेंड्स हम चेक करते हैं पेंट निकाल के इसको। इतना क्लियर पेंट आया, ये मेरा पहले का पेंट था और ये अब निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।